Yeah.
जैसे श्री प्रभु जी का चालीसा अभी बोला है और वर्णन तो सभी का है उसमें, श्री प्रभु जी के बच्चे हैं सब, उन्हीं का वर्णन हुआ है अभी तक। तो मेरी भावना है कि वैसे महाराज जी का चालीसा होना है, पर मेरी भावना बीच में आ गई कि प्रभु जी के साथ प्रभु जी की रामायण को थोड़ा सा सुनेंगे, फिर उसके बाद महाराज जी का चालीसा बोल देंगे। ठीक है सदगुरुदेव, मुझे आनंद नहीं आता है, कल तुम लोगों ने देखी थी सीडी महाराज जी के समय की, मुझे बोलते हुए देख लिया उसमें ना, तो उस समय के बच्चे कैसे बोल रहे थे, उस समय के जोर शोर से बोलते थे, एक आवाज में मेरी एक एक बात को मानते थे उस समय। देखा उसमें तुमने जैसे जयकार लगे, जोर से बोलो तो जोर से ही बोलते थे, समझ रहे हो ना बात को। तो ये उन दीन बंधु की कृपा है जो अपने एक एक बच्चे को, सारे बच्चे तुम उन्हीं के चरणों में हो, चाहे वो इसके द्वारा उसको बुला रहे हैं, उसके द्वारा उसको बुला रहे हैं, किसी के द्वारा किसी को बुला रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे किनके हैं, इसलिए जोर से बोल के दिखाओ। बहुत छोटा हूँ,
मेरी भक्तनियाँ हैं कि कितनी भावनाएं आपके सतगुरु के धाम पर आकर गिर हो जाती हैं, रुक नहीं पाता आदमी, देखते हैं आपके सामने और आपने भी कितना जोश है, कहाँ कितनी कितनी दूर से यहाँ लोग आके मुझे मिलते हैं, बड़ा मन गदगद होता है देखकर कि ऐसे प्रभु के धाम कहाँ मिलते हैं। हम बड़े धान्य भाग्यशाली हैं, हमें स्थान पर आने का सवाल से मिला है, ये अवसर फिर नहीं मिलते, पता नहीं कब फिर मिले, कौन से जन्म मिले। और गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि जो गुरु की शरण में आता है तो कभी खाली नहीं जाता, गुरु को कभी देह में नहीं समझना चाहिए, ये देह में तो शायद कहीं मर्यादाएं होती हैं, जब गुरु इस पंच शरीर को छोड़ जाता है, इस संसार से चला जाता है, सूक्ष्म रूप में उसे करोड़ों गुना उसके पास शक्ति आ जाती है, जितने भी संसार में करोड़ों लोग भी उस सतगुरु को अपने हृदय में याद करते हैं, सतगुरु उसी समय उसकी भावना को पढ़ते उसके पास प्रकट हो जाते हैं, उसकी फरियाद को सुनते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं, इतने शक्तिशाली गुरुदेव होते हैं। और इससे भी एक और बड़ी बात, आप केवल ये मत सोच लेना कि गुरु से दीक्षा ले ली बस हमारा काम हो गया, गुरु की आज्ञा में रहते हुए जो निर्गुण भी हो जाते हैं गुरु महाराज जी उससे भी। कि जन्म जमांतर तक आप लाखों भी जन्म इस संसार में ले लें, एक गुरु ऐसे होते हैं उसको पीछा नहीं छोड़ते जब तक इस संसार से मुक्त नहीं हो जाता, चाहे किसी भी लोक लोकांतर में वो जन्म ले, ऐसे गुरुदेव जी की शरण में हम बैठे हैं, कहाँ मिलते हैं ऐसे गुरुदेव। और उससे और भी हम भाग्यशाली हैं, हमें योगेश्वर प्रभु रामलाल जी मिले हैं, उनकी गाथाएँ, उनकी रामायण, उनकी चर्चाएँ करने का हमें यह सुअवसर मिलता है। एक बार किसी भगत का ध्यान लगा, प्रभु जी ने कहा कि भाई मैं कलयुग में जब इस अवतार में आया हूँ, ऐसी शक्तियाँ मैं 12 युगों के पश्चात लेके आता हूँ जो इस युग में मुझे लेके आई है, 12 युगों के बाद अनंत कला जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतनी शक्तियों के साथ आए। और एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी अवतारी महापुरुष आए, प्रभु रामचंद्र जी आए, हमें कुछ उन्होंने भक्ति का पाठ दिया, मर्यादा का पाठ दिया, जब कृष्ण अवतार में आए तब उन्हें कर्म योग का संदेश दिया। अब प्रभु जी जो अवतार लेके आए हैं, कहीं भी आपको दुनिया में ऐसा अवतार नहीं मिलेगा जिसने शरीर से लेकर समाधि और मोक्ष तक का ज्ञान दिया, ऐसा संसार में आपको कोई अवतारी। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, आप कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुराण, कोई भी अवतारी महापुरुष की जीवन गाथा देख लीजिए, ऐसा वो खुद मानते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष मानते हैं, ऐसा अवतारी महापुरुष संसार में अभी तक नहीं आया। और वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको उनकी शरण मिली है, हम बड़े भाग्यशाली हैं उन्हीं की हम रामायण का पाठ करने जा रहे हैं। और मैं फिर दोबारा से अपने सद्गुरुदेव की तरफ से, अपनी तरफ से सबको कोटिश कोटिश बधाई देता हूँ सद्गुरुदेव जी के जन्म सोने से। श्री राम लख प्रभु जी जग सुखकारी, वह माता करने लगी श्री प्रभु के गुणगान, मुस्का कर सुनने लगे दीन बंधु भगवान, श्री प्रभु राम जय शरण, श्री सतगुरु देव जी की जय शरण, चंद जय जय दीन दयालु कृपालु, जय दुख हरण अनंता, अग्नाशन भगतन हितकारी चिदानंद भगवंता, जय जय विश्व के स्वामी प्रभु वर जय त्रिभुवन के ईशा, जय ईश्वर
जय योगेश्वर योग रूप योगीशा राम लाल गुरुजन के गुरुवर जय भूपन के भूपा अलख अनादि अनि अनामाये अपरंपार अनुपा त्रिगुणातीत अलौकिक सुंदर सकल जगत के स्वामी निगमागम स्तुति कर कर हारे निर्मल अंतर जामी गंडा राम सुत जगत पिता प्रभु दया कृपा के सागर ब्राह्मण कुल के दिवस नाथ हरि दिनों लोक उजागर हे देवन के देव दया में दीन दयाल सुरेशा भगत समाज जलज सम सुंदर तिनके नाथ दिनेशा जय जय अशरण शरण दयालो जय जन के हितकारी अद्भुत छवि मनोज कोटि सम भगत देख बलिहारी जय जय बेजर हितकारी धर्म रूप प्रभु प्यारे राम लाल प्रभु पावन पूरन कष्ट निवारण हारे इस प्रकार करते रहे लीला जगदाधार कोटि कवि नहीं कह सके मुख से चित अपार श्री प्रभु राम लाल की जय शरण श्री सतगुरुदेव जी की जय शरण राम मनोहर रूप पर कोटि काम बलि जाए रिद्धि सिद्धि चौसठ कला द्वारे चल चल आए श्री प्रभु राम लाल जी की जय श्री सतगुरुदेव जी की जय शरण गंदे नाले के किनारे पर एक मुसलमान पीर पड़ा होगा वहां बहुत गंदगी का ढेर होगा जाओ उसको कह दो कि हमारे योगीराज तुलकनाथ जी महाराज की तो क्या बताऊं भाइयों की बातें हैं भाई कौन कहां क्या कैसे दीन बंधु बैठे हैं और दीन बंधु के बड़े भाई की बात चल रही है योगीराज तुलकनाथ जी महाराज कुछ लोगों ने शिकायत की प्रभु से आकर के योगीराज मुलाकात जी के लिए कहने लगे प्रभु जी मुलाकात जी महाराज जी क्या करते हैं बोले क्या हुआ क्या करते हैं प्रभु जी ने पूछा बोले क्या करते हैं बाजार में जाते हैं और आंखें बंद रहती हैं बाल की आंखें खुलती नहीं है और कहीं गिर गए एक्सीडेंट हो गया तो जब ये बात सामने आई प्रभु जी मुस्कुराए प्रभु जी थोड़ा सा देश में बोल के कहते हैं अरे हट उसके एक्सीडेंट की चिंता मत करें अपने एक्सीडेंट की चिंता कर ले योगीराज मुलाकात जी महाराज की बाहर की आंखें बंद रहती थी और बंद आंखों में ही पूरे आश्रम से घर घर से आश्रम ऐसे आया करते बाहर की आंखें बंद और अंदर की आंखें आहा श्री प्रभु जी की आज्ञा हुई मुलाकात जी महाराज चल दिए जी प्रभु जी बंद आंखों में चले जा रहे थे गंदे नाले के किनारे पहुंच गए और गंदगी का ढेर पड़ा हुआ था क्या देखा उन्होंने कि गंदगी के ढेर में वो मुसलमान पीर ऐसे मुंह करके और गंदगी उसके ऊपर पड़ी है और वो पड़ा हुआ है मुसलमान पीर श्री प्रभु जी आश्रम से चल दिए चलते ही
पहुंच गए। उधर योगी और गोरखनाथ जी ने कहा, ऐ पीर क्या पड़ा हुआ है यहाँ तू, प्रभु जी आ रहे हैं। जो ही ये बात कही एकदम उठ करके वो पीर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम मुझे क्या बताने आए हो? आ रहे हैं पर वह अधिकार आ रहे हैं कहना था। श्री प्रभु जी वहां आ गए और गंदगी से बिबड़े हुए को प्रभु जी ने उठा के मुसलमान पीर को यूं लगा दिया, सर के ऊपर हाथ रख दिया, प्रभु जी ने सिद्ध बना दिया और पहाड़ों की ओर रवाना। इतनी बातें हैं श्री प्रभु जी की, अलौकिक लीलाएं हैं। क्या उसमें डुबकी लगाओगे? दिन रात डुबकी लगनी चाहिए। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जब उनके चरणों का प्याला पीते रहेंगे तो संसार में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। फिर वो सबको मुलकराज जी की तरह आंख बंद करवा देंगे, सबकी मुलकराज जी की करवाएंगे। मुलकराज जी जिन जिन को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं उनकी भी आंख बंद होनी है, किसी की भी आंख बाहर की नहीं खुलनी है। बोलो सतगुरुदेव। को कहे गोरख चल आया, को कहे शिव रूप बढ़ाया, को कहे अत्रि मुनि ज्ञानी, को कहे गौतम सन्मानी, को कहे ये सिद्ध मुनीश्वर, को कहे ज्ञानी योगेश्वर, कोई कहे ये उत्तम त्यागी, पावा धर्म हम हो बड़ भागी। जैते मुख तैते गुण गावे, नर नारी सब शीश झुकावे, जब उपदेश सिद्धवर करते, तब विधिष्पन के मन को हरते, जब वे सिद्ध समाधि लगाते, शिव स्वरूप तब वे बन जाते। निर्धन धनी मूरख विद्वाना, वहाँ कर होत समाना, सबका सम आदर वहाँ, सबका सब सम्मान, ऊंच नीच निर्बल बली सबके वहाँ सम्मान। श्री प्रभु राम लाल की जय। एक दिवस प्रभु जी प्रभु जी की कृपा से, किशन देव जी के आशीर्वाद से हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व के इस स्थापित समारोह पर इकट्ठा होकर उनका गुणानुवाद करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं और मैं लाख लाख बधाई देता हूँ आप सब के लिए, जो इस परम पावन पर्व पर इकट्ठे होकर शिक्षाओं पर चलने का एक संकल्प लेने के लिए हमें ये मौका मिला है। तो सद्गुरुदेव की आज्ञा से ऐसे पावन पर्व पर हमें यहाँ आने का मौका मिला है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। शिक्षा युग युग में अवतार ले दुख हरण भगवान, जो जिस युग में प्रकट हो वही करे कल्याण। हर युग में प्रभु आते हैं संसार में, जब मर्यादाएं टूटती हैं, मर्यादाएं जल्दी नहीं टूटती, बड़ी देर के बाद। और गीता में भी कहा है, परित्राणाय च साधु विनाशाय च दुस्थितम्। जब अवतार संसार में आता है दो चीजें लक्ष्य उनके पास होता है, दो चीजें भाग्य प्राप्त हुआ है। और पहले 88 की बात है, 89 की बात है, स्वाई ग्राम में जो मिट्टी है ना गुफा की, वो बहुत चमत्कारी,
भगत जब आते थे तो ले जाते थे, बहुत से भगत ले जाते थे, और मैं कहना नहीं चाहता कि वो कितनी चमत्कारी है, वो किन किन रोगों को दूर करने की है, क्योंकि मिट्टी से हमने चमत्कार नहीं दिखाने, हमने तो उनके आदर्शों पर चलना है। अपना हमारे विचार कैसे हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, और हमारा आहार कैसा हो, तीन चीजें उससे की जो है ना, इन पर बल दिया है प्रभु जी संसार में आए। परंतु जहाँ योगी का स्थान होता है वो तीर्थ ही नहीं, उसका मैं वो बताना चाहता हूँ। वो मिट्टी लेकर जाते हैं वहां से, मैं भी लेके गया लक्ष्मी प्रभु जी के मंदिर में। अब बताना नहीं चाहता कि वो क्या हुआ, परंतु जब मैंने उस मिट्टी का चमत्कार देखा, तभी थोककर किसी दुखिया का दुख था, तांत्रिक तौर पर था, जब वो मैंने उन्हें वो दिया तो उसका चमत्कार देखा, मैंने उसके पश्चात जिसको दिया था उसे निवेदन किया कि नहीं बताना है ये कहीं कि ये क्या कैसे ये चमत्कार हुआ है। हमने तो अपने आचार विचार और व्यवहार को उनकी शिक्षाओं पर चलकर बनाना है, जीवन को बनाना है, आत्मा का कल्याण करना है। मैंने पानी में प्रवाहित कर दिया उसको, वो बड़ी भारी चमत्कारी मिट्टी होती है, वो मन के लिए भी, बुद्धि के लिए भी, शरीर के लिए भी, जहाँ भी कहीं शरीर में। अब ये बताने की बात, हम भगत होते हैं, संसारी जीव है, उस तरफ चल पड़ेंगे, हमने तो उनकी शिक्षाएं लेनी है। मिट्टी तो होगी ही योगी राज के स्थान की, और कलियों के अवतार ही आए हैं, जहाँ उन्होंने संसार को एक संदेश दिया है, उस मिट्टी में चमत्कार तो होगा ही। और दूसरी बार जब जाने का मौका मिला गुरुजी के साथ, तो वहाँ एक पातिराम जी भी हुआ करते थे, तो वो भी सुनाते थे अपना प्रभु जी का, रोते रोते आंसू में सुनाया करते थे। तो वो जब प्रभु जी की स्वामी जी की बातें बताते थे तो भगत द्रवित होकर ध्यानावस्था में चले जाते। तो एक बहन जी का वहाँ ध्यान लग गया, समाधि लग गई, अंतर्मुखी होना ध्यान को कहते हैं। ध्यानावस्था से ऊपर की अवस्था समाधि होती है, जब शरीर में चेतना नहीं, कॉन्शियस बॉडी जब हो जाती है। वो क्या देखा, वो जाते रहते थे समाधि में, देखा कि दिव्य लोग से पुष्प लेकर वो आए, और बहुत ही 60-70 लोगों की मंडली थी वहाँ गई हुई, क्योंकि स्थान का स्वाई का हमारे लिए भगत के लिए प्रभु जी का घर है, योगी का स्थान है। तो वो दिव्य पुरुष जब समाधि में लाई, और एक आदमी है वो अभी नौजवान है, लड़का सतीश नाम है उसका, आर्मी में है वो, उसका भी ध्यान लगता था। वो पुष्प जो ऊपर दिव्य लोक से लाई थी, और बाद में जब देखा तो उस सतीश की जेब में वो पुष्प, वो कहाँ कौन लाया है दिव्य लोक से और किस जेब में वो आया। और फिर बाद में अब वो पुष्प जो है ना, फिर गुरु महाराज जी जहाँ था भगत का, जहाँ आश्रम था, वहाँ गुरु जी को बताया दिव्य पुष्प। दिव्य ऐसी है ये परंपरा, जहाँ आत्म कल्याण के लिए बातें करनी है, इस सूक्ष्म शरीर से कहाँ जाना है, किन शरीर होते हैं मनुष्य के, तो ऐसे महाराज हमें मिले हैं जिनका ये शताब्दी समारोह है। अंधकार रू माने जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको क्या कहेंगे, गुरु कहेंगे। तो इसलिए अंधेरे से प्रकाश में आ जाओ, बार बार पकड़ रहे हैं, बार बार खींच रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, किंतु अलग बात है कि हम कितना ले पा रहे हैं। इसलिए जितनी आज्ञा का पालन होता जाएगा, उतनी ही कृपाएं होती जाएंगी। देने वाले तो बैठे हैं, महाराज जी कहते प्रभु जी का कड़ाहा भरा रखा है, मैं तो कड़छी हूँ, बताओ क्या बोल रहे महाराज जी। एक दिन ऐसे बोल दिए, मैं तो कड़छी हूँ, प्रभु जी का कड़ाहा भरा रखा है, मैं तो परसता रहता हूँ, तो कोई लेने वाला नहीं। लेके अब यहीं के बांटे मिले, परचों दे मिले, बर्तन फूटते मिल रहे हैं, डाल मैं सबको रहा हूँ, लेकिन वो यही छोड़ जाते हैं सारे। इसलिए भर भर के ले जाओ, फिर मत कहना कुछ कर न सके, कि नर्तन मुश्किल से पाया, सुंदर स्वस्थ मिली काया। गुरु रटना गुरु ने फरमाया, बड़ी गहरी बातें हैं ये समझने की। गुरु रटना हरि ने फरमाया, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बिल्कुल सत्य निकलेगी ये बात। जितने भी देवी देवता हैं, ये इनकी पूजा सबसे पहले करती है दुनिया, और इनकी पूजा करने के बाद ही ये लोग, देवी देवता लोग ही
शरण में ले आते हैं। तभी तो कबीर को कहना पड़ा कि गुरु गोविंद ताके लागू बलिहारी गुरु, आपने जो मुझे गोविंद दिए नजर वो देंगे, गोविंद को भी वही दिखाएंगे, गोविंद खुद नहीं दिखाएंगे तुम्हें। वो तो एक अर्जुन था उसको दिखा दिया, वो दूसरी बात है। किंतु गोविंद कबीर को जब यहाँ ले आए सदगुरु के पास, तो सदगुरु ने वो लाइट दे दी, वो चश्मा दे दिया। अंधों को चश्मा देना पड़ता है ना, चश्मा देते ही दिखाई देना शुरू हो गया। और तब वो चौंक गए कि हाँ गुरु गोविंद, दो पड़े इसको प्रणाम करो। बलिहारी गुरु आपने जो मुझे गोविंद को दिखाया, इतनी बड़ी बात होगी। सदगुरुदेव भगवान।